सत्ता के नशे में सत्ता का दुरुपयोग करने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की केंद्र की सरकार ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को अपने प्रतिद्वंदियों पर छोड़ती है बिल्कुल, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके मन में एक भ्रम पैदा करें। ये चाहते हैं कि चुनाव के दौरान ये आपको ये दिखाएं कि ये कितने भ्रष्ट हैं, जबकि चुनाव होने के बाद ये सारे मैटर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई तथ्य होता नहीं और किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया नहीं होता, या जो भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं वो आरोप सिद्ध नहीं होते। आपने देखा इन्होंने तमिलनाडु में किया, इन्होंने महाराष्ट्र में किया, याद है अजीत पवार गए और वापस भी आ गए, और बंगाल में भी इन्होंने किया ममता बनर्जी के भतीजे के साथ। मगर हुआ क्या, आखिर में सरकारें पलट गईं, भाजपा की सरकार चली गई और पंजाब में भी, पंजाब के लोग जागरूक हैं हमारे किसान भाइयों के साथ जो किया भारतीय जनता पार्टी ने, मत भूलिएगा। जब जब ये आए आपके पास अपने चुनावों में वोट मांगने के लिए, तो याद रखिएगा कि 750 किसानों की हत्या की है इन्होंने। उस आरोप को सिद्ध करने के लिए किसी कोर्ट की अब आवश्यकता नहीं, ये तथ्य आपके सामने है। इसलिए इस बार इनको हटाना है और हर जगह से हटाना है, ताकि देश में अमन शांति चैन और भाईचारा दोबारा स्थापित हो सके। भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी पंजाब की जनता और लाएगी कांग्रेस की सरकार दोबारा।